हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग आपको कुछ ब्लैक बैकग्राउंड फ़ोटो एडिटिंग करके दिखाने वाले हैं। दोस्तों, ये देखिए हमारा फ़ोटो कुछ इस प्रकार से होने वाला है आज का वीडियो। दोस्तों, ये देखिए हमारा बिफोर और आफ्टर का लुक कितना ही अमेजिंग लग रहा है। दोस्तों, अगर आप भी कुछ इस टाइप से ब्लैक बैकग्राउंड फ़ोटो एडिटिंग करना चाहते हैं तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे जो हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। हम सिंपल से अपना स्नैपशीट एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद दोस्तों हम इस प्लस वाला आइकन को क्लिक करके अपने उस फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे जिसे हमें एडिट करना था। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम सिंपल से टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे नीचे दिए गए इस ब्लैक वाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इस नेचुरल वाले फ़ोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे राइट क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद दोस्तों हम सिंपल से इस टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ऊपर दिए गए छोटे से टर्न इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद दोस्तों हम इसकी आई ब्राइटनेस को कम करके कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देंगे। कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाने के बाद सॉल्यूशन को माइनस में बढ़ा देंगे और इसके एम्बिका को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। हाईलाइट्स को माइनस में करके इसके साइड्स को भी हम हल्का सा माइनस में कर देंगे और इसके वर्थ को हल्का सा माइनस में करके राइट क्लिक कर देंगे। दोस्तों, फिर ऊपर टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम सिंपल से इस टर्न इमेज वाले ऑप्शन पर दोबारा से क्लिक करेंगे और फिर इसकी ब्राइटनेस को हल्का सा बढ़ा देंगे, कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद दोस्तों से सॉल्यूशन को भी पूरा बढ़ाने के बाद इसके एम्बिका को हम बढ़ा के इसके हाईलाइट्स को भी हल्का सा बढ़ा देंगे और इसके साइड्स को भी माइनस में करेंगे थोड़ा सा। माइनस में करने के बाद दोस्तों इसके वार्म को हल्का सा हम माइनस में कर देंगे। इतना करने के बाद दोस्तों हम सा राइट क्लिक करेंगे और फिर इस नीचे टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस नीचे दिए गए डबल एक्सप्लोर वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद दोस्तों हमें छोटे से इमेज वाला आइकन पर क्लिक करेंगे और अपने उसी फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेंगे जिसे हमें एडिट किया था। इतना करने के बाद दोस्तों हमें फुल करके इसे राइट क्लिक कर देंगे। राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें ऊपर दिए गए इस आइकन पर क्लिक करेंगे। इसके क्लिक करने के बाद वीडियो एडिट पर क्लिक करके हम छोटे से ब्रश वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद दोस्तों हम इसे जीरो में रख के अपने बैकग्राउंड के ऊपर कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी करके आपको दिखाया था, हमें अपनी टी शर्ट और बैकग्राउंड पर कुछ इस प्रकार के ड्रॉ करना है। जी देखिए दोस्तों, हमारा फोटो कुछ इस प्रकार से हमने ड्रॉ कर लिया है। इतना करने के बाद दोस्तों हम सिंपल एक्सपोर्ट वाले बटन पर क्लिक करके शेयर वाले बटन पर क्लिक करेंगे और इसे हम अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में शेयर कर लेंगे। जी, हमारा फोटो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में शेयर हो गया है। इतना करने के बाद दोस्तों हम सिंपल से नीचे इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें ब्लर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फ़ोटो पर कुछ ये पहले वाले ब्लर को लगा देंगे। इतना करने के बाद दोस्तों हम ऊपर दिए गए इस छोटे से एज वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। एज वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हम इस नीचे दिए गए बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा बैकग्राउंड कुछ इस टाइप से ब्लर हो गया है। इतना करने के बाद दोस्तों दोबारा इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हम इस इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फर्स्ट वाले इफेक्ट को क्लिक कर देंगे HDR वाले पर। इतना करने के बाद दोस्तों हम फिर दोबारा इरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हम इसे अपने फेस और हैंड पर अच्छे से इरेज कर लेंगे। जब मैं अच्छे से इरेज कर लेता हूँ, देखिए दोस्तों हमारा फोटो कुछ इस प्रकार से इरेज हो चुका है। इतना करने के बाद दोस्तों हम राइट क्लिक कर देंगे और राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों हम सिंपल सा हमने राइट क्लिक कर दिया। राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों हम इस नीचे दिए गए ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हम सिंपल से जब स्टार वाले PNG को सिलेक्ट कर लेंगे और जो हमारा जो बाकी का जो वाला PNG था इसे भी हमने सेलेक्ट कर लिया है। इतना करने के बाद दोस्तों हम इस ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हम पहले स्टार वाले PNG को कुछ स्टेप से अपने गर्दन पर एडजस्ट कर लेंगे। जो मैंने इस टाइप से एडजस्ट कर लिया। इतना करने के बाद दोस्तों हम इरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो इसके बाकी के पार्टों से स्टेप से इरेज कर देंगे। इतना करने के बाद दोस्तों हम इस वाले PNG को भी अपने हैंड पर अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद दोस्तों हम जबरदस्त की ओपेसिटी को हल्का सा माइनस में कर देंगे। माइनस में करने के बाद हम जबरदस्त राइट क्लिक कर देंगे और इस ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने दूसरे PNG को सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ अपना PNG सिलेक्ट कर लिया है। जो PNG सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम इसे भी अपने जो हमारा PNG सिलेक्ट हो चुका है इसे भी हम अपने हैंड पर कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद दोस्तों सिंपल से इरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जिसके बाकी के पार्ट से कुछ इस टाइप से इरेज कर देंगे। इतना करने के बाद दोस्तों हम राइट क्लिक कर देंगे और उसके ओपोसिटी को भी माइनस में कर देंगे। इतना करने के बाद दोस्तों हम फिर दोबारा से इस फोटो को सेव कर लेंगे अपने फ़ोन में। सेव करने के बाद दोस्तों हम चलते हैं अपने
लाइटरूम एप्लीकेशन में, हमने लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन कर, हमारा लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन हो चुका है दोस्तों। ओपन होने के बाद हम सिंपल से इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपने फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेंगे जिसे हमें एडिट करना था और लाइटरूम में। ये हमारा फ़ोटो सिलेक्ट हो चुका है दोस्तों, आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा वरना आप एडिटिंग नहीं सीख पाएंगे। ये हमारा फ़ोटो सक्सेसफुली हो चुका है शेयर, ये दोस्तों हमारा फ़ोटो शेयर हो चुका है। शेयर होने के बाद हम फोटो पर क्लिक करके सिंपल सा इस लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसकी प्लेक्स को हल्का माइनस में करके इसके व्हाइट को हल्का से बढ़ा देंगे और साइड्स को माइनस में करके उसकी हाईलाइट्स को बढ़ा देंगे। इतना करने के बाद दोस्तों हम कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ऊपर दिए गए इस मिक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद दोस्तों हम इसके ह्यू को हल्का से बढ़ा देंगे और इसको हल्का सा बढ़ा देंगे इसकी स्ट्रेंथ को और उसकी ल्यूमिनस को माइनस में कर देंगे। इतना करने के बाद हम ऑरेंज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इसके ह्यू को माइनस में करके इसके स्ट्रेंथ को माइनस में करके इसकी ल्यूमिनस को हल्का सा बढ़ा देंगे। इतना करने के बाद दोस्तों हम सिंपल सा इसे येलो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इन सबको ऐसे ही रहने देंगे। इतना करने के बाद हम जो राइट क्लिक कर देंगे और इसे इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसकी टेक्चर को हल्का सा बढ़ा देंगे, इसकी क्लैरिटी को भी हल्का सा बढ़ा देंगे। इतना करने के बाद दोस्तों हम इस बिगनेट वाले ऑप्शन को हल्का सा माइनस में कर देंगे और फिर डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दोस्तों हम इसकी शार्पिंग को हल्का सा बढ़ा देंगे और रेडियस को भी हल्का सा बढ़ा देंगे और इसकी डिटेल्स को फुल कर देंगे और मार्क्सिंग को भी हल्का सा कुछ 9 पॉइंट बढ़ा के, नॉइस को भी कुछ 5 पॉइंट बढ़ा के इसकी डिटेल्स को फुल कर देंगे, कॉन्स्टेंट को भी हल्का सा बढ़ा के इसकी कलर नॉइस को फुल कर देंगे, इसकी डिटेल्स और स्मूथनेस को भी फुल कर देंगे। इतना करने के बाद दोस्तों हम इस ऑप्टिक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इन दोनों को इनेबल कर देंगे। इतना करने के बाद दोस्तों ये देखो हमारा फोटो कितना ही अमेजिंग हो रहा है हो गया है। इतना करने के बाद दोस्तों हम इस गैलरी में सेव कर लेंगे, हमारा फोटो सेव हो रहा है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों हमारा फोटो कुछ इस टाइप से बन के रेडी हो चुका है। देखिए तो वो दोस्तों हमारा फोटो कितना ही अमेजिंग लग रहा है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।